हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर क्या था, हाउ प्लांट्स मेक एंड स्टोर फूड। ठीक है, इससे पहले जो है हमने ये पढ़ा कि जो लीव जो है किस तरह जो है प्लांट में फूड प्रिपेयर करने का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, और जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ा हमने। जो है लीव का स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है और कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, और जो है एक्टिविटीज़ भी जो है समझी। ठीक है, अब जो है अब हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड। एंड आई होप कि आप लोग अपना होमवर्क जो है टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास में आपसे आपके होमवर्क के बारे में पूछा जाएगा और चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम आज अपने इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड, अपना खाना जो है प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं। द फूड मेड बाय प्लांट्स इज इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, इट इज़ यूज इन मैनी वेज बाय द प्लांट्स। ठीक है, जो फूड है जो प्लांट्स बनाते हैं उसका यूज़ जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं। ठीक है, और उस एनर्जी का यूज़ किन किन तरीक़ों से करते हैं वो यहाँ नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, इट इज़ बर्नड टू गेट एनर्जी, इसका यूज़ करके जो है वो एनर्जी पाते हैं। ठीक है, सम ऑफ इट इज़ यूज फॉर ग्रोथ, इसमें से जो है कुछ पार्ट का इस्तेमाल जो अपनी ग्रोथ की वृद्धि ग्रोथ के लिए करते हैं, बढ़ने में करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक न्यू सेल्स टू रिपेयर डैमेज। ठीक है, यहाँ तक कि जो है वो इन इस एनर्जी का यूज़ जो है न्यू सेल्स को डेवलप करने में और जो है डैमेज्ड सेल को रिपेयर करने में करते हैं। ठीक है, वी यूजली ईट दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच हैव फूड स्टोर्ड इन देम, सच एज फ्रूट स्टेम रूट सीड और लीफ। जो है हम प्लांट का वो पार्ट ईट करते हैं, वो पार्ट जो है हम खाते हैं जिसमें जो है फूड स्टोर होता है। ठीक है, वो जो है या तो फल में हो सकता है, फ्रूट में हो सकता है, स्टेम में, तने में हो सकता है, रूट यानी जड़ में हो सकता है, सीड यानी बीज में हो सकता है, या फिर लीफ यानी पत्तियों में हो सकता है। यहाँ पे कुछ जो है आपको जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए हुए हैं। अब ये जो है कौन कौन से पार्ट जो है में पाए जाते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर। शुगर कैन, शुगर कैन जो है ये स्टेम वाला पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, जिसको हम ईट करते हैं खाते हैं। कैबेज यानी गोभी, ये जो है लीफी पार्ट होता है जिसको जो है हम ईट करते हैं खाते हैं। रेडिश यानी ये रूट वाला पोर्शन होता है जिसे हम ईट करते हैं। ठीक है, पीच में ये फ्रूट होता है। ठीक है, तो इसका फ्रूट में फूड स्टोर होता है, तो हम ये वाला पार्ट इसका ईट करते हैं खाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि ग्रीन नहीं होते। ज़रूरी नहीं ना कि सारे प्लांट ग्रीन हो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, सम प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होता, इस वजह से वो ग्रीन दिखाई नहीं देते। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि जो कुछ लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिस वजह से वो ग्रीन दिखाई देते हैं, पर जिनमें जो है कलर ग्रीन नहीं दिखाई देता है तो उनमें क्लोरोफिल मौजूद या प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से नहीं दिखाई देता है। सच एज माउल्स एंड मशरूम्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए, मशरूम देखा होगा आपने। ठीक है, मशरूम जो है ग्रीन दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, दे कैन नॉट मेक देयर फूड, ये जो है नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये अपना खाना खुद जो है नहीं बना सकते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम, ये अपना खाना या अपना भोजन जो है किससे प्राप्त करते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, मरे हुए या सड़े गले हुए प्लांट्स यानी पौधों से और जानवरों से जो ये अपना फूड प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक होमवर्क ये भी बन जाता है कि आपको जो है यहाँ पे तो दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स के, आपको कुछ और एग्जांपल्स ढूंढने हैं जो कि नॉन ग्रीन प्लांट्स के हों। ठीक है, आगे यहाँ पे चलिए, एक डू यू नो एक फैक्ट दिया हुआ, इसे रीड करते हैं। कैक्टस डज नॉट हैव लीव्स, सो इट मेक्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन स्टेम, जो कैक्टस है उसमें भी जो है पत्तियाँ नहीं होती, आपने देखा होगा। तो ये जो है अपना फूड प्रिपेयर कैसे किसके थ्रू करते हैं, स्टेम के थ्रू, इसकी जो टहनियाँ तने होते हैं इसके थ्रू जो है ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका जो होमवर्क है आपको जो अपने बुक वर्क का सी पार्ट करना है, कौन सा पार्ट करना है, बुक वर्क का सी पार्ट करना है, और साथ ही साथ जो है कुछ और एग्जांपल्स ढूंढने हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स की। ठीक है, आज के लिए आपका बस इतना ही होमवर्क है, आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और अपने बुक वर्क का सी पार्ट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने बुक नहीं ली है तो जो है जल्दी से जल्दी अपनी बुक खरीदिए ताकि जो आपका होमवर्क आप अपने वीडियो के साथ साथ कर पाएँ।